हमारे को ऐसी सरकार चाहिए जो जनहित की सरकार हो और केवल बाबू बेटे की सरकार ना हो। आप सभी को बावल ब्रेकिंग न्यूज परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी की जो सरकार बनी है ये केवल इसलिए बनी है क्योंकि इस सरकार भाजपा की नीतियां हैं और जो है नेता हैं, और वो काम भाजपा ने करे जो अपने आप में एक ऐतिहासिक थे, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे नौजवान जो बेरोजगार बच्चे हैं, कितना जो है बिना खर्ची और पर्ची के गांव-गांव के अंदर जो हैं इतने सारे बच्चे लगे हैं, और फिर लाभार्थियों का जो है इतना ज़बरदस्त सिलसिला था कि जिनको सरकार की नीतियों से जो है वो जो लाभार्थी बने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखते हुए जनता ने ये फैसला करा कि जो है हमारे को ऐसी सरकार चाहिए जो जनहित की सरकार हो और केवल बाबू बेटे की सरकार ना हो, और ऐसी सरकार जो जनता के हित के काम करे, जो हर वर्ग को साथ लेकर चले और जो है भ्रष्टाचार को दूर करे। आप देख ही रहे थे कि किस तरह से जो है एक लिमिटेड कंपनी जो है वो कांग्रेस को जो है बना दी थी, कांग्रेस नाम का तो शब्द ही रह गया था, बाकी तो रात को दोनों वो जो कहते हैं ना सपने लेके सोचते थे कि बाबूजी ये सोचते थे मैं बन रहा हूँ, बेटा भी सोचते थे मैं बन रहा हूँ, ये सारी कहानी जो इनके चमचे थे खाली उनको जो है जो सलाम करते थे उनके लिए ठीक था, बाकियों को तो सबको दरकिनारे करा। तो पूरे हरियाणा ने देखा कि किस तरह से चुनाव के दौरान भी जो बातें हो रही थी सोशल मीडिया के ज़रिए, जिस तरह से कहा गया था कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर जो है रिश्तेदारों का करेंगे, फिर बाकियों का देखा जाएगा, तो ये सारा जो है ये सारी चीज़ें घटनाक्रम लोगों के सामने था। लोग चाहते थे कि बिना जो है खर्ची और पर्ची के जो है जो लोग नौकरियां लग रहे हैं बच्चे, आज बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का जो है हर तरीके से पूर्ण तरीके से जो उनका फ़ायदा पहुंचाया है वो शायद आज तक कभी भी किसानों के लिए नहीं करा गया, ये अपने आप में एक इतिहास है। 24 फसलों के ऊपर जो है MSP के ऊपर और बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ, और चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग के लिए अंतिम छोर के व्यक्ति तक के लिए जो नीतियां लागू करी गई वो उनके कारण जो है तीसरी बार सरकार बनी।